जैसा कि मैंने आपको अपनी इंस्टा की स्टोरी पे बताया था कि मैं एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रियलमी सी वन की, तो ये रहा वीडियो, इसमें मैं अनबॉक्सिंग करूँगा रियलमी सी वन फ़ोन की। तो अभी मैंने ख़रीदा नहीं है फ़ोन, मैं एक शॉप पे जाऊँगा जहाँ पे उनके पास है वो रियलमी सी वन, तो मैं वहाँ जाके उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो चलिए देख लेते क्या है। और अगर आप मेरे को पता नहीं है कि मैंने आपको कल अपडेट किया था सबको अपनी इंस्टा पे, तो प्लीज़ इंस्टा में वो फॉलो कर लो यार। मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट भी देख लो। प्लीज़ फॉलो कर लो, मैं सारा अपडेट यहाँ देता रहता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ फॉलो कर लेना मेरे को। और तो चलिए शुरू करते हैं ना अनबॉक्सिंग अपनी। तो है दोस्तों, मैं नाम नितेश और आप देख रहे हैं टेक्नोवाली। तो बस मैं आ गया हूँ शॉप पे और मेरे हाथ में सीवन का बॉक्स। तो चलिए करते अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि मेरी चैनल की फर्स्ट अनबॉक्सिंग भी है और पर्सनली मेरे फ़ोन बहुत अच्छा लगा, तो इसके कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो मैं इसको काटता हूँ रेपर को, उसके बाद डब्बे को खोलते हैं हम। तो ये डब्बा खोलता हूँ, तब तक मैं आपको इसकी स्पेक्स बताता हूँ क्या है इसमें। मतलब 13.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, इसके बाद 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो 5 मेगापिक्सल का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कैमरा है। मैं इसके आपको सैम्पल शॉट भी बता दूँ, बहुत बढ़िया कैमरा है इसका। और इसके बाद इसमें 4230 mAh की बैटरी है, 4230 mAh की बैटरी, जो आपके कम से कम 2 दिन तो आराम से चल जाएगी। और डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 6.2 इंच की नोच के साथ डिस्प्ले मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत बढ़िया कलर्स, बहुत बढ़िया इसके डिस्प्ले के। और उसके बाद इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा, मैं आपको बता दूँगा इसमें डेडिकेटेड स्लॉट भी, क्योंकि वो बहुत सारे फ़ोन अभी नहीं आ रहा है तो इसमें मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे स्पेक्स बात होगी आपकी। अब इसके बाद हम इसको करते हैं अनबॉक्स। तो इधर से खुलेगा ये, तो मेड इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेड इन इंडिया, ठीक है, बढ़िया बात। इसके बाद इसे मैं खोल लेता हूँ। नहीं, ऐसे नीचे नहीं आएगा, स्वाइप होकर नीचे नहीं आएगा, इसको डायरेक्ट पूरा खोलना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको मैं हाथों से थोड़ा खींच के लगा खोल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आप रियलमी की ब्रांडिंग वाला इसका मिल जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं, तो इसके अंदर वो बेसिक सा कवर है, जो सॉफ्ट कवर जो आता है वो, और तो इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट वाला वो नहीं मिलता, मतलब इसके फिंगरप्रिंट तो है नहीं इस फ़ोन के अंदर। इसके बाद कुछ पेपर वर्क से बेसिक से, तो ये और हाँ मतलब, और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। इसके बाद अपना जो मेन फ़ोन है, जो मेन डिवाइस वो रखा हुआ है, तो मैं इसको निकालता हूँ। उसके साइड में आपको और ये कुछ चार्जर, तो चार्जर आपको वही ओप्पो वाला मिलता है, तो हाँ ओप्पो वाला चार्जर मिलेगा। इसके साथ आपको इसकी मैं रेटिंग बताता हूँ, आउटपुट रेटिंग 5V 1A इसकी आउटपुट रेटिंग है। तो फास्ट चार्जिंग तो नहीं है वैसे भी, क्योंकि मिड रेंज फ़ोन इसमें फास्ट चार्जिंग कहाँ मिल जाएगी। तो इसके साथ हमको माइक्रो यूएसबी मिलती है टाइप सी, तो नहीं मिलेगी क्योंकि अभी मिड रेंज फ़ोन की बात करें। तो ठीक है, इसको हम करते हैं साइड में। इसके बाद अपना जो मेन फ़ोन है इसको मैं करता हूँ रेपर से, निकालता हूँ रेपर से। इसके बाद ठीक है, तो क्या मतलब फील, मतलब इसका फील ही अलग है, क्योंकि प्रीमियम फील कर रहा है अपने हाथों में लेने के बाद। तो हमें को मना कर दिया इन्होंने निकालने के लिए। ठीक है, यूँ ही देख लेते इसको हम। तो पीछे से इसकी शाइनिंग है ना फ़ोन की, वो बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि प्रीमियम फ़ोन मतलब फीलिंग होती है कि आपने हमने कुछ ना प्रीमियम फ़ोन लिया। मैंने इसको बूट भी कर दिया, तो तब तक मैं इसकी फिज़िकल ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ। तो इसके राइट साइड में आपको बस एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, उसके बाद इस राइट साइड में और कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर की साइड में बात करूँ तो ऊपर भी आपको कुछ भी नहीं मिला। उसके राइट साइड की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर्स, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा सिम स्लॉट्स, और मैं इसको चेक करूँगा कि डेडिकेटेड स्लॉट है कि इसमें SD कार्ड के लिए। तो इसके आपको नीचे साइड में वही मिलेगा USB, मैंने इसको रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, इसलिए नीचे वही मिलेगा आपको USB, और इसके बाद स्पीकर ग्रिल वगैरह। तो मैं देखा चेक करता हूँ उसमें स्लॉट है कि नहीं अपना अलग से SD कार्ड के लिए। तो जी हाँ, इसके अंदर स्लॉट मिल जाएगा आपको, ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत लगाते हैं यार, मतलब SD कार्ड जो पड़ती है। इसके बाद मैं इसको पूरा सेटअप कर लेता हूँ, तब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या है और आगे चीज़ें। मैं फेस अनलॉक का सेटअप करके देखता हूँ इसमें कैसे क्या काम करता है। तो ठीक है, पिन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सिंपल पिन ठीक है। इसके बाद ओके, देन कंफर्म करते पिन, और ठीक है फेस अनलॉक, फेस आईडी मांग रहा है। ठीक है, फेस अनलॉक जल्दी काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और हाँ ठीक है, देन ओके। तो इसके अंदर आपको कलर OS 5 मिलता है,
यूआई ठीक है, और मतलब इसकी जो डिस्प्ले बहुत बहुत बढ़िया है लग रही है, मतलब आपको कलर्स भी बहुत मस्त लग रहा है, वाइब्रेंट कलर मिलते हैं एकदम इसमें। 6.2 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है नोच के साथ। तो मैं इसको और इसमें आपको मैं बता दूँ इसके सेटिंग में जाकर, अबाउट फ़ोन में जाकर के इसमें क्या क्या और मिलता है। तो चलते इसके अबाउट फ़ोन में, तो ये अबाउट फ़ोन यार। देन इसके बाद में इसके आपको 2 GB रैम मिलती है, 16 GB इंटरनल मिलती है। और इसमें आपको मैं बता दूँ वर्जन कौन सा है, तो ये ओरियो मिलेगा आपको 8.1.0। तो ठीक है 8.1.0। और कलर वाइज आपको 5.1 वर्जन मिल जाए कलर वाइज का। इसके अंदर जो सिक्योर्ड पेज है ना वो 5 अगस्त का है, तो अभी रिसेंटली है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद प्रोसेसर आपको 450 मिल जाए, स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, और मिड रेंज के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ जो ब्लूटूथ से इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल है वो अनइंस्टॉल होती है कि नहीं, तो हाँ तो इसको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर आपको और बाकी जो ब्लूटूथ आते हैं ना बहुत सारे, जो वो भी नहीं बस गूगल के ऐप्स है, वो कुछ सिस्टम ऐप्स ही है, ज़्यादा ऐप्स नहीं। तो फेस उन लोग को एक बार चेक करके देख लेता हूँ कैसे क्या। तो ठीक है, अच्छा तो इसको स्वाइप अप करना पड़ेगा, मतलब आपको स्वाइप अप तो करना ही पड़ेगा। इसमें शायद डिसेबल होता हो तो सेटिंग में जाकर चेक कर लेना, लेकिन अभी तो शायद स्वाइप अप करना पड़ेगा। तो फेस अनलॉक भी बहुत बढ़िया तेज है, मतलब स्वाइप अप करो हो जाएगा ठीक है। तो इसके बाद देखिए मैं हटा के देखता हूँ, तो अभी मैंने इसमें फेस नहीं लगाया। हाँ ठीक है, तो बस पिन डालो। तो फेस अनलॉक इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन वो होता तो अच्छी बात थी, लेकिन 7000 में तो हो सकता था फिंगरप्रिंट सेंसर भी। इसके बाद सेल्फी लेके देख लेता हूँ इसमें कैसा क्या डिटेलिंग वगैरह क्या हुई है। तो थोड़ी बहुत तो डिटेलिंग, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो है। तो मैं आपको सैंपल शॉट में बता देता हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया शॉट आया। इसके बाद हम इसको रियर कैमरा की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके फोटो क्लिक किया, देन इसके बाद पोर्ट्रेट मोड है वो भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सैंपल शॉट बता देता हूँ इसके ऊपर। कैमरा तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया फोटो रहता है, बहुत बढ़िया कैमरा। इसके बाद इसकी पीछे की बैक साइड की फिनिशिंग तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीमियम फील आता है एकदम हाथ में लेने के बाद, तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन लगता है। मैं पर्सनली डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं भी ये फ़ोन खरीदूँ, मतलब पर्सनली यूज़ करने के लिए मैं भी ये फ़ोन खरीदने वाला हूँ। तो मतलब मिड रेंज है और कम बजट के हिसाब से फ़ोन बहुत बढ़िया है। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना कि आपको फ़ोन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। तो फ़ोन मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि 7000 के प्राइस में आपको ड्यूअल कैमरा मतलब बहुत ही बढ़िया, और फ़ोन ओवरऑल कंडीशन बहुत बढ़िया, और उसकी मतलब जो डिस्प्ले वगैरह सब एक नंबर है फ़ोन। तो अगर आपको लेना चाहते हो तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो, और फ्लिपकार्ट मिल रहा है तो आप जाके सर्च भी कर सकते हो रियलमी C1। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। किसी को लेना हो मोबाइल तो देख लेंगे क्या कैसा क्या फ़ोन है। इसके बाद सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, कि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।